इसराइल के हिजबुल्ला पर हमले के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इस जंग का दायरा और बढ़ सकता है और इस युद्ध में मिडिल ईस्ट के कई देश इसराइल पर अटैक कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले तो 26 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया और इस हमले में IDF ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं दूसरा, यमन का हूती अब अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, क्योंकि हूती ने अब एक बहुत बड़ी मिलिट्री डील की है जिसमें उसने ऐसे ऐसे हथियारों को पेश किया है जिनका इस्तेमाल इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अभी तक किया नहीं गया। हूती का कहना है कि उसके जखीरे में अभी ऐसे कई घातक हथियार हैं जिनकी ताकत से इसराइल और अमेरिका अनजान है। आपको बता दें कि हूती ने इस मिलिट्री ड्रिल को आपके चेहरे को मनहूस बनाने के लिए का नाम दिया है। हूती ने इस ड्रिल के जरिए दुश्मन द्वारा किए गए काल्पनिक हमलों का कैसे जवाब दिया, इसका अभ्यास किया है। हूती का कहना है कि उसने सैन्य अभ्यास में काल्पनिक रूप से यमन के रेगिस्तान, तट शहर, पहाड़ी और यमन की जमीन पर दुश्मन के हमलों का जवाब देने का अभ्यास किया। हूती के मुताबिक उसकी ये मिलिट्री ड्रिल पवित्र जिहाद का हिस्सा है। हूती ने इस ड्रिल में नौसेना और तटीय सुरक्षा, शहरी युद्धाभ्यास, पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान और सार्वजनिक जगहों को लेकर युद्धाभ्यास किया। हूती ने अपनी इस मिलिट्री ड्रिल में यह भी दिखाया है कि कैसे उसका एडवांस कमांड और कंट्रोल सेंटर दुश्मन के हमलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट कर सकता है, जो जासूसी उपकरणों, कम्युनिकेशन डिवाइस और कई तरह के हथियारों और मिसाइलों से लैस है। हूती ने इस वीडियो में अपने खूंखार स्नाइपर हथियार, टॉर्पीडो और समुद्री ड्रोन्स की ताकत दिखाई है। आपको बता दें कि इस ड्रिल के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हूती ने अपने सैन्य बेड़े में एक नई ड्रोन पनडुब्बी अलकरिया को शामिल कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा धमाका करने में काबिल है। इसके अलावा ये पनडुब्बी अमेरिकी जेट्स पर हमला करने के लिए स्टील्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर हूती ने अचानक से इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल क्यों की। तो आपको बता दें कि हूती को अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से किसी बड़े हमले का डर सता रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हूती के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं और अब हूती को ऐसा लग रहा है कि अगर अमेरिका हूती पर कई फ्रंट से हमला करता है तो ऐसे हालातों में वो इसका सामना कैसे करेगा, और यही वजह है कि हूती ने इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है। आपको बता दें कि हूती अंदर ही अंदर तेजी से नए हथियारों का प्रोडक्शन भी कर रहा है, जो रणनीतिक रूप से किसी हमले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन से दो टूक कह दिया है कि अगर उन दोनों ने यमन के भीतर हूती पर कोई बड़ा हमला किया तो वो उन्हें बचकर जाने नहीं देगा। हूती का ये भी कहना है कि अमेरिका और ब्रिटेन को अपने नौसैनिक और एयरफोर्स नाकामियों से सबक लेना चाहिए।